नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है रियल स्टेट इन्वेस्टिंग चैनल केडी सिंह शेखावत पे। और आज हमारे साथ में है दिग्विजय सिंह जी। अच्छा रियासत संकल्प के बारे में आज हम जानेंगे। मुंबई में जो प्रोजेक्ट है एनए प्लॉट्स का, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम इनसे लेना चाहेंगे और ये हमें बताएंगे। तो दिग्विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रियल स्टेट इन्वेस्टिंग चैनल पे। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए इस रियासत संकल्प के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, बताइए प्लीज। हाँ, ये रियासत जो संकल्प प्रोजेक्ट है अपना, ये 50 एकड़ में डेवलप हो रहा है और MSRDC से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है, और हमारे राशि अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में वो सारी एमिनिटीज़ देंगे हम, जो एमिनिटीज़ आप नवी मुंबई में आज आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी एमिनिटीज़ हम यहाँ पे एमिनिटीज़ वगैरह सारी देंगे। तो एमिनिटीज़ देखने के लिए थोड़ा सा हम आपको डेमो के हिसाब से बता देते हैं कि हमने कुछ कर रखा है, तो आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप चलते हैं दिखाते हैं। जी थैंक यू फ्रेंड्स। आप जानते हैं हमारे जो फ्रेंड हैं दिग्विजय सिंह जी से, और ये हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में इस डमी के माध्यम से। ये देखो, ये अपना डमी है, तो इसी थीम पे अपन डेवलप कर रहे हैं। जी, और आपको ये वाला हाईवे दिख रहा है, वो ओल्ड पुणे हाईवे है जो 300 मीटर का चौड़ा है। जी, और इसमें से वो एंट्रेंस आपको दिख रहा है, वो प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है, जिसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरा के साथ में आपको पूरा एंट्रेंस मिलेगा। पूरी टाउनशिप को सेफ्टी की बाउंड्री वॉल से पैक करेंगे। वहाँ से अपना जो एंट्रेंस है वो 100 फीट के रोड से एंट्रेंस है, वो रोड सीधा 100 फीट का जा रहा है, और वो वाला ये रोड अपना उस टेम्पल के पास में 100 फीट का रोड, एक और 100 फीट का इस टाउनशिप के अंदर से होकर निकलता है। दो इसमें 100 फीट के रोड हैं, इसमें आपको कॉमर्शियल प्लॉट और आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दोनों ही मिलने वाले हैं। और इसमें अपने 30 फिट के, 40 फिट के और 100 फिट के इसमें रोड हैं। ये अपना फ्यूचर डेवलपमेंट वाला एरिया है। और ये आपका जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा मोरेब डैम जो है आपका, जो मुंबई के पानी को सप्लाई करता है, उसका पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ये रिवर के हिसाब से अपना पीछे का एरिया बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे आप शुद्ध वातावरण के हिसाब से, अगर पॉल्यूशन नो पॉल्यूशन के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो बेस्ट है। यहाँ पे आपका जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट से, वो 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो है गवर्नमेंट एक BKC टाइप का कॉमर्शियल हब एक लेके आ रही है, वो भी है। और अपने प्रोजेक्ट के नियर बाई में जैसे हीरा नंदानी का प्रोजेक्ट है, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदरेज का है, बादवा का है, ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट के आसपास में अपना ये प्रोजेक्ट है, और यही एरिया है जो पनवेल की साइड में डेवलप के लिए जगह बची हुई है, तो ये एरिया काफ़ी डेवलप होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। और अपने एमिनिटीज़ की बात करें तो आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज लाइन, पानी की टंकी, कम्युनिटी हॉल, टेम्पल, और अपना किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, पार्क में बैठने के लिए गजीबो टाइप के, ये सारी एमिनिटीज़ आपको इस टाउनशिप के अंदर अवेलेबल कराई जाएंगी। और ये अपना वो ओल्ड हाईवे है पुणे का, जो 300 मीटर का बता रहा था मैं। और अब बात करते हैं टाउनशिप के नाम की, तो टाउनशिप का नाम है द रियासत संकल्प, और ये कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ रहेगी एंट्रेंस के पास में, ये कॉमर्शियल प्लॉट रहेंगे 2 नंबर 3 नंबर, और ये एंट्रेंस है 100 फिट का जो ओल्ड पुणे हाईवे से अपना एंट्रेंस रहेगा। दूसरा एंट्रेंस आपका वो दिख रहा है, वो एंट्रेंस है, ये मेन रोड का है, वो अंदर का एंट्रेंस है, और ये अपना कम्युनिटी हॉल है पार्क में ही, और ये एमिनिटीज हैं आपको जो मैं बता रहा था, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, पाथवे वगैरह, सारी एमिनिटीज आपको, पानी की टंकी, ओवरहेड और अंडरग्राउंड वाली, ये सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट में हम प्रोवाइड करके देंगे। अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर हो रहा है, और 4 से 5 महीने में हम इसको पूरा डेवलपमेंट करके कंप्लीट करके दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे टाइम टू टाइम पे। और एक बार हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव नाइस डे, टेक केयर।